मुस्लिम समाज के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए बयान पर मुस्लिम समाज में रोष है। आपत्तिजनक बयान से मुस्लिम समाज में गुस्से का माहौल है और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा के दौरान रामगिरी महाराज के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को मुस्लिम समाज की विभिन्न जमातों ने एकजुट होकर जमात खाने में इकट्ठा हुए मौन जुलूस के रूप में जमात खाने से निकलकर एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया। महाराज के बयान को विवादित एवं समाज की भावनाओं को आहत करने वाला करार देते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कसरावत शहर कमेटी एवं मुस्लिम समाज के बैनर तले समाजजनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश दर्ज कराया है। शहर काजी नईम अख्तर ने बताया कि मुस्लिम समाज पैगंबर साहब को अपने माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चों से बढ़कर मानता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञापन रैली में समाज के सभी छोटे बड़े वरिष्ठ जन एवं सभी मस्जिदों के इमाम मौजूद थे। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। के प्रोफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता नहीं है बल्कि हमारे ईमान का रिश्ता है। अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको अगर गाली देना है तो आप हमें गाली दे, आपको अगर बुरा भला कहना है तो हमारे खानदान को कहे, हमारे माँ बाप को कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे नबी की जात पर कोई उंगली उठाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो माननीय महोदय से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे अंदर किया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा पाखंडी खड़ा होकर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना करे और मुसलमानों के दिल को ठेस ना पहुंचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।